Today we are going to learn a new topic, strokes. First of all, what is the meaning of strokes? The strokes means the help of correct pattern to improve our writing skill. Okay? We use the strokes, we can write the letters, numbers, words and sentence, etc. Okay? Now, look at the blackboard. The first stroke is standing line. The first stroke is standing line. Look at the scale. The scale position is standing top to bottom. Scale ki position kya hai? Stand. Stand matlab wo khadi hai na. So, standing line. Okay, this line is standing line. And how to draw? Top to bottom. Okay, look at these pictures. What is this? This is a candle. And candle position is standing line. The candle position is standing line. Okay, now the next picture, this is a pencil and their position is standing line. मैं trace कर रही हूँ, आप भी notebook पर ऐसे ही space करना है, line में, three line में, top to bottom, standing line. Trace करते वक्त हमें standing line ऐसे बोलना है, okay? Then next stroke is sleeping line. Look at this picture. This is a ladder and the ladder step is also sleeping line. The ladder step is also sleeping line. Sleeping line mein hote hai na? Okay. Aise trace karna hai. Left to right. Left to right. Look at this. This is a scale. हमारे पास scale है. See, the scale position is sleeping line. The scale position is sleeping line. Okay, do you understand? Now, next stroke is right slant. Right slant. Okay, look at this picture. This is a rain. Rainy season में हमेशा हमारे जो raindrops रहते हैं वो हमेशा slanting line में रहते हैं. कैसे रहते हैं? Slanting line में. The raindrop is always slanting line. Is always slanting line. Slanting line. Look at this scale. इस स्केल की पोजीशन हमने ऐसे की तो ये स्लैंटिंग लाइन हो जाती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्ट्रोक इज लेफ्ट स्लैंट. द नेक्स्ट स्ट्रोक इज लेफ्ट स्लैंट. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज अ हिल्स. दिस इज अ हिल्स एंड ये हिल्स पर जो एंड रहती है वो ऊपर ऊपर चढ़ती है ना, तो ऐसे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तब वो लेफ्ट स्लैंट में आती है. वो लेफ्ट स्लैंट में आती है. सो दिस इज अ लेफ्ट स्लैंट. ओके, लेफ्ट स्लैंट हमें जो ए रहता है, लेटर ए,
this stroke is upward stroke. Upward stroke. This stroke is upward stroke. इसका शेप ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए हम इसे अपवर्ड स्ट्रोक कहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्ट्रोक इज राइट कर्व. द नेक्स्ट स्ट्रोक इज राइट कर्व. ओके, ये कौन सा कर्व था? अपवर्ड कर्व. ये कौन सा कर्व था? अपवर्ड कर्व. देन नेक्स्ट स्ट्रोक इज राइट कर्व. आपने मून देखा है, हाफ वाला मून रात में रहता है, तो उसका कर, उसकी शेप हमेशा राइट कर्व में रहती है. कैसे रहती है? राइट कर्व में. एंड द कप, जिस पर हम होल्ड करते हैं कप, उसकी डंडी भी ऐसे राइट कर्व में रहती है. ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रोक इज लेफ्ट कर्व. नेक्स्ट स्ट्रोक इज लेफ्ट कर्व. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ ऑनियंस. ऑनियंस के जो स्लाइस रहते हैं वो हमेशा ऐसे कर्व में ही रहती है, एक राइट रहती है, एक लेफ्ट रहती है. ये देखो, आप घर पर ऑनियन देखना, वहां पर ये उसके स्लाइस जो रहते हैं वो कर्व शेप में रहते हैं. ओके, एंड लुक एट दिस, दिस इज अ फिश. फिश के जो स्केल रहते हैं वो भी हमें लेफ्ट कर्व में दिखाई देते हैं. वो भी हमें लेफ्ट कर्व में दिखाई देते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्ट्रोक इज डाउनवर्ड कर्व. Downward curve. Look at this. This is a turtle. Turtle की जो ऊपर की body रहती है उसका shape downward रहता है, मतलब ऊपर से नीचे आता है, तो उसको downward curve कहते हैं. Okay? This stroke is downward curve. आपको ऐसे ही notebook में ऐसे ही curve को trace करना है. आप इसे स्ट्रेस करके तो आप राइटिंग जल्दी से सीख जाओगे. ओके, द नेक्स्ट स्ट्रोक इज राइट हुक. डू यू सी अम्ब्रेला? जो अम्ब्रेला की स्टिक रहती है वो राइट हुक में रहती है. क्या रहती है? राइट हुक में. दिस स्ट्रोक इज राइट हुक. राइट हुक. राइट हुक. एंड द नेक्स्ट स्ट्रोक इज लेफ्ट हुक. जो हॉकी स्टिक रहती है ना वो राइट हुक के पोजीशन में रहती है, इसको क्या बोलते हैं? हॉकी स्टिक.